कहाँ रह गई थी? टाइम दिख रहा है तेरे को? बहुत ज्यादा ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गई। ट्रैफिक था? तुझे अच्छे से पता है कि तुझे घर आने के बाद खाना बनाना होता है। हम भूखे बैठे हुए यार, तेरा डेली का यही हो गया, कभी टाइम पे नहीं आती। यार ऑफिस मेरे पापा का थोड़ी है, ऑफिस की जो टाइमिंग्स है उसी हिसाब से तो निकलूंगी ना। और तुम्हें पता है ना बाहर ऑफिस टाइम पे कितना ट्रैफिक हो जाता है, और रोज तो आके खाना बनाती हूँ तो अभी भी बनाऊंगी। अरे हाँ बहू, अगर खाना बना भी देती हो तो क्या एहसान करती हो हम पर? काम है तुम्हारा ये? जी मैं कोई एहसान नहीं करती हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ कि सुबह ऑफिस जाने से पहले भी मैं घर का सारा काम करके जाती हूँ, और आने के बाद भी घर का सारा काम करती हूँ मैं, इवन लंच तक बना के जाती हूँ। बहू तूने ही कहा था ना, तेरी जिद थी कि माँ जी मैं ऑफिस के साथ साथ घर भी संभाल लूंगी, पर लग रहा है मुझे तेरे बस की नहीं है दोनों काम संभालना। मम्मी जी मुझसे जितना हो सकता है मैं उससे ज्यादा करती हूँ। अच्छे से दिख रहा है कितना संभालती हो है? हम डेली भूखे बैठे रहते हैं, कभी टाइम पे खाना नहीं मिलता, क्या संभाल रही है? और यहाँ खड़ी होकर ना जिद बहस करने से कुछ नहीं होगा, जाके खाने की तैयारी कर ले। मुस्कान खाना लगा देना। मैंने खाना तैयार रखा है, तुम खुद जाकर ले लोगे क्या? आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। वाह भाई, मैं सारा दिन ऑफिस में काम करता हूँ और तुम यहाँ घर पे पड़ी पड़ी हराम करती हो, और अब तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, और अब मैं खाना भी खुद ही डालकर खाऊंगा क्या? सच में बहुत दर्द हो रहा है यार। ये सब बहाने ना मेरे सामने नहीं चलेंगे, बताना क्या काम करती हो तुम पूरा दिन? सारा काम मैं ही तो करती हूँ। सारा काम करती हो? झाड़ू पोछा बर्तन खाना, ये गिनती के 3-4 काम है तुम्हारे पास, और इसमें तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। ये ना बकवास मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खड़ी हो और खाना डाल के ला मेरा। कैसी है तू? बस ठीक, तू बता। मैं भी अच्छी हूँ, बैठ। वैसे जीजू और आंटी जी नहीं दिखाई दे रहे? तेरे जीजू मम्मी जी को मार्केट लेके गए हैं, थोड़ा सामान लेने गए, आते ही होंगे अभी। मैं तुझे कब से बोल रही थी कि मिल ले, पर तेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, तो बिजी इतनी रहती है। यार तुझे पता है पूरा दिन घर का काम, ऑफिस आने और जाने में ही निकल जाता है, टाइम ही नहीं मिलता। और संडे मिलता है, उसमें पूरे हफ्ते के कपड़े धोने पड़ते हैं और घर का बाकी काम, कहाँ चला जाता है संडे बिल्कुल नहीं पता चलता। वैसे यार तुम्हारा सही है ना, सुबह ऑफिस के लिए निकल जाओ, पीछे से घर में क्या हो रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें तो सारा दिन घर का काम करना पड़ता है। बहन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कुछ नहीं है? सुबह ऑफिस के लिए जाओ, शाम को ऑफिस से घर आओ, सारा दिन कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता होगा ना, ऊपर से घर वालों की चिक चिक से दूर। अगर तुझे लग रहा है ना वर्किंग वाइफ होना इतना ही आसान है तो तुझे बिल्कुल गलत लग रहा है। घर वालों की चिक चिक भी सुननी पड़ती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। वो कैसे? तुझे पता है मैं सुबह जल्दी उठ के घर का ऑलमोस्ट सारा काम करके जाती हूँ, इवन लंच तक बना के जाती हूँ, फिर 8 से 10 घंटे मैं ऑफिस में काम करती हूँ, ऑफिस से आने के बाद भी मैं किचन में काम करती हूँ, डिनर बनाती हूँ, साफ सफाई करती हूँ, और संडे संडे को भी मैं काम ही करती हूँ। उसके बाद भी ना किसी के मुँह सीधे नहीं होते, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली मुझे टॉन्ट सुनने को ही मिलता है कि घर अच्छे से नहीं संभाल रही है। उसके पीछे रीजन क्या है? मेरी जॉब। जॉब तो संजू भी करते हैं यार, पर वो घर का एक काम भी नहीं करते, आने के बाद जूते जुराब भी यहीं छोड़ के चले जाते हैं, और मम्मी जी वो भी बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। इनफैक्ट तुम लोगों का ठीक है यार, कम से कम घर वालों के साथ टाइम तो स्पेंड कर लेते हो, घर का काम आराम से कर लेते हो, सब खुश रहते होंगे। कोई खुश नहीं होता है, चाहे मैं घर का सारा काम टाइम पर क्यों ना कर लूं, हर दूसरे तीसरे दिन मुझे सुनाया ही जाता है कि तुम कोई काम नहीं करती, सारा दिन घर पर पड़ी रहती हो, कुछ कमा कर नहीं लाती, सारा दिन टीवी देखती रहती हो, और तो और अगर मुझे सर में थोड़ा सा दर्द भी हो जाए ना तो बोला जाता है काम ना करने के बहाने ढूंढ रही हो। हमारे तो सर में दर्द भी नहीं हो सकता। मैं तो सोचती थी कि जो वर्किंग वाइफ होती है उसकी इज्जत होती होगी, क्योंकि वो घर में थोड़ा बहुत कमा कर लाती है। एक औरत ना कितना भी कुछ कर ले कम ही रहता है, अगर वर्किंग है तो घर आके काम करेगी,
और अगर हाउसवाइफ है तो फिर हमेशा ये सुनने को मिलेगा कि तुम घर पे करती ही क्या हो, सारा दिन तो लेटे लेटे टीवी देखती रहती हो। कितनी लकी होती होंगी ना वो लड़कियाँ जिनको रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस दोनों मिलती होंगी। बिल्कुल सही कहा, वैसे इज्जत तो ना हर औरत को मिलनी चाहिए, पर हम क्या कर सकते हैं, हमारा देश ठहरा पुरुष प्रधान देश। ये ना नेवर एंडिंग टॉपिक है, तू ये सब बातें छोड़, तू आराम से बैठ, मैं चाय बना के लाती हूँ, ठीक है?